49 और अपॉन में है 3 सो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं 88 को 49 से वी विल गेट 9 8 72 9 8 72 अगेन 73 74 75 76 77 78 79 सो so, ये हमारे पास आ गया 79 देन 8 4 2, जा सॉरी 4 8 जा, 32 अगेन 4 8 जा, 32 33 4 35 सो वी हैव यहाँ पे हमारे पास आ गया ये आ गया आप पे हर बार आप आप में 3 जाएगा. So, आप आप को यहाँ भी छोड़ सकते हो. आप इसको डेसिमल में भी छोड़ सकते हो या आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके छोड़ सकते हो ठीक है जी सो so, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके पास है आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर ठीक है, है पे आते हैं, Next part में है Again, volume निकाल है हमें सो so, वॉल्यूम हमारा है हैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन आर है हमारा जीरो पॉइंट सिक्स थ्री इंटू जीरो पॉइंट सिक्स थ्री इंटू जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है अगेन से कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्योंकि 9, 7 सा होता है थ्री भी कैंसिल हो सकता है इससे कट कर लेते हैं ये हमारा आ जाएगा पहले सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री को कर लेते फिर उसको थ्री से कर लेंगे सो so, इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन

इसको आगे फर्दर हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है सो ये ध्यान रखेंगे चलो मैं लिखी देती हूँ इंटू जीरो पॉइंट जीरो अब आप किसी भी ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको रब कर लेते हैं सो वी हैव पहले मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मतलब थ्री नाइन सिक्स नाइन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री से।, से सो हमारे पास आएगा थ्री नाइन ज्वेंटी सेवन थ्री सिक्स इज एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी हो गया थ्री नाइन जी ट्वेंटी

So, इसको 88 से मल्टीप्लाई करती है एट सेवनजा जीरो फिर से एट से करना है सेम ही आएगा नाइन फाइव टू फाइव सिक्स सो so ये हो जाएगा सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन हो फाइव सिक्स सेवन एट एंड देव फाइव सिक्स सेवन

इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बट कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा हो सकती है अभी आगे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट वगैरह भी आ जाएगा तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज,